प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, फालतू फीस नहीं चलेगी, बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। है उनका कुछ देने पड़ेंगे, कितने हांड लो आखिर में मेरे दुराओगे, और ना तो फिर कुछ दबाओ करो कम है कुछ कह दिया झूठा केस में फंसाऊंगी अगर मेरे को जान से मारे धमकी दे हरनो। ऐसा ही मेरे साथ भी बोला जी। एच आर न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। फिलहाल मैं दोस्तों मैम केंद्र में मौजूद हूँ सरस्वती स्कूल के बिल्कुल सामने। जैसे इसके नीचे लिख रहा क्या कि विद्या का मंदिर सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप मेरे साथ जो अभिभावक देखने लग रहे हैं, माता पिता देखने लग रहे हैं, इनका एक आरोप है इस स्कूल के ऊपर, स्कूल प्रशासन के ऊपर कि हमने अपने बच्चे यहाँ पर दाखिल करवाए थे ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करें, लेकिन स्कूल हमारे को अब ब्लैकमेल करने लग रहा है। ब्लैकमेल क्यों करने लग रहा है, क्या कुछ मामला है, इनके मुँह से जानेंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना और साथ साथ में कमेंट भी करना है। जैसे कि लगातार आप लोगों को बताया जावा कि एडमिशन जो प्राइवेट स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल नहीं दुकान बना रखी है, सिर्फ अपना कमाने का एक जरिया बना रखा है। सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई हुआ है लेकिन वहाँ पे एडमिशन बिल्कुल भी नहीं करवाने लग रहे, क्योंकि वहाँ पे एक इज्जत को प्रभात आ जाएगा कि हमारी इज्जत को ऊपर फर्क पड़ जाएगा अगर हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाओगे तो। लेकिन जब प्राइवेट स्कूल में दाखिल हो जावे हैं उसके बाद का जो रिजल्ट यू निकल का हुआ है आप लोगों के सामने है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। के नाम भी रघुवीर सिंह है जी। रघुवीर भाई क्या कुछ मामला होया, कुकर इकट्ठे हो रहे हो? भाई साहब हमने स्कूल बदलवा दिया सभी ने, ये तो आधे हैं, इससे और भी हैं बहुत जो जिन्होंने बदलवा रखे उनके चक्कर कटवा रहे हैं। SLC या और जो भी कागज हैं मैं नहीं निकाल। कृष्णगढ़ है जी। बच्चे कितने हैं? दो लड़की हैं जी अभी जो यहाँ पे फिलहाल पढ़ने लग रही। ना ना हाँ पढ़ रही थी पिछले साल, अब दूसरे में चेंज करवा दिया। टाइम हो गया चेंज करवाए? करीब करीब ढाई तीन महीने हो गए। ढाई तीन महीने हो गए यानी कि एडमिशन सबसे स्टार्ट हुए तब से करवा। हाँ वही से। हाँ कौन सी क्लास में है? एक है चौथी में और एक आठवीं में जी। तो फिर मामला क्यों होया, एडमिशन आपने दूसरे जगह करा दिया, आज नारेबाजी सरस्वती स्कूल का सामने करने लग रहे हो? सर इन्होंने SLC के लिए मना कर दिया जी। SLC ये दबाव कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में रखो, पहले तो प्यार से बोलते थे अब कति गाखड़ गए। अच्छा हानू गए कति नहीं दिया। नहीं देने का कारण की एक तो न्यू भाई फीस प्यास दे रखी हो आपने? ना दे रखी जी, बिल्कुल खोल रखी थी जी, उतने दे रखे हैं बिल्कुल जी, फीस दे रखी है, सारी चीजें क्लियर है, तो फिर SLC क्यों नहीं देंगे, क्या कारण बताओ? इनकी गुंडागर्दी है जी, सरासर सरकार कुछ है नहीं, सारा इनकी चाल है जी, यहाँ भी और अफसर हम वह भी नहीं सुनते। अच्छा। कह दे जानते जवाब देते हैं, जाओ नहीं से करो तो फिर ये आप सरकार का सारा लेना लग रहे हो। सरकार जब सरकारी स्कूल खोल रहा है और बार बार आप लोगों से अपील करे कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराओ, मास्टर भी आपके पढ़ना चक्कर काटा भी एडमिशन कराओ, इतनी बढ़िया फैसिलिटी हम देने लग रहे हैं, उस टाइम तो आप लोग इनकी नहीं सुनते। बस सर ये तो आप अपनी इच्छा होती है पेरेंट्स की, फर्क पड़ जाए तो बढ़िया हुआ प्राइवेट स्कूल में, थोड़ा ध्यान दे ले भाई, इतना है कुछ भी लगा लो। ध्यान दे रखा यू कितना होगा फिर देखो, यो ध्यान तो क्या है, ये तो गुंडागर्दी है इनकी जी, सारे अपील कर लीजिए, CM विंडो लग जा लीजिए, उड़े दही कोई समाधान नहीं। टाइम पे आपने एडमिशन कराया उस टाइम पे मतलब एक फीस बताई होगी, तो कितनी फीस बताई गई थी? इतनी बोली थी जी, इतनी हर साल चल रही हो तो कई साल से ही सिम पढ़ रहे हैं सर बच्चे, अभी चेंज कराने। आपने नु तो पता होगा भाई इतने एडमिशन फीस है, इतना भाई रेगुलर की जो ट्यूशन फीस है। हाँ बताई गई थी जी, फिर कर के बोले ठेका कर लिया, कम कर लिए दिन ने। अच्छा। अगर इतने दे दियो उस टाइम तो राजी राजी बोल रहे हैं बच्चे आ जा दहा, और फिर ये तो ये बस असलियत तो इनकी जब सामने आती है जब इनके पास SLC मांगते हैं। अच्छा वो जो ठेका कराया था वो क्लियर कर दिया? बिल्कुल कर रखा है सर, पर्चियां भी दिक्कत की तारी है, दिक्कत की तारी है, क्या मांग है, क्या मांग कर रखी है? सीधे गाखड़ रहे हैं जी, नू कहे हमारे स्कूल में रखो कह दो। अच्छा। और नहीं रख दे तो 50,000 रुपये दो। और यहाँ से बदलने का कारण क्या था सर? यहाँ का अच्छे से नहीं रह रहा अभी, अच्छा नहीं था यहाँ बिल्कुल। अच्छा पढ़ाई अच्छी नहीं लगी जब भी तो बदलिया सर। देखो माँ बाप भी आजाद है और बालक भी आजाद है, भाई किसी स्कूल में पढ़ सके है। जब एक अच्छा स्कूल देख कर एडमिशन करवाया जाए और उस माहौल का फिर वहाँ का पता लगे कि पढ़ाई अच्छी नहीं होने लग रही, अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में चेंज करवाने की बात हो है, तो स्कूल प्रशासन स्कूल स्टाफ है जो वो इन तक डिमांड करे कि 50,000 रुपये हमने और चाहिए जब हम SLC देवेंगे, ऐसा इनका आरोप है। लेकिन एक खोल बांध भी हुआ है जिस टाइम पर एडमिशन करा हुए, वह क्लियर करने के बावजूद भी इनकी जो है SLC जो सर्टिफिकेट हुआ है एक बच्चे का जो मतलब भाई यहाँ का नू बतावे कि भाई इस क्लास में था इतने साल मार दूर पढ़े आज उसका कैरेक्टर दर्शाने लग रहा है, वो चीज़ देने मना करने लग रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम मोहन है जी।
कौन सा काम अपना? कृष्णगढ़। कृष्णगढ़ तो? हाँ जी। कितने बच्चे आपके? मेरे पास एक गुड़िया है। एक गुड़िया है? हाँ जी। क्या नाम है? मेरी बेटी का नाम है किरण। कौन सी क्लास में? फोर्थ क्लास में। क्या कुछ मामला आपके साथ? मामला भाई साहब, मामला यही है कि एडमिशन कराया स्कूल के अंदर, और जिस टाइम में एडमिशन कराया तो रीजन ये रहे थे कि घर पे चक्कर भी लगा रहा था स्टाफ, फैसिलिटी भी दिखा रहे थे, पता नहीं कहां कहां से टीचर भी बुला रखे थे, सारी चीज दिखाई। जैसे ही एडमिशन कराया, एक साल तक हमने देखा ना पानी की फैसिलिटी, ना बैठने की, किसी भी चीज की कोई इन्वायरमेंट नहीं था स्कूल का। तो हमने डिसीजन ये बना लिया कि हम बच्चे का स्कूल चेंज कराएंगे। अब इनका जो मेन गेम है ना, मेन गेम ये खेल रहे हैं, सभी के साथ खेलते हैं ये, ठीक है। अभी 7-8 परिवार हैं, ये आगे और भी बहुतों के साथ हुआ है कि ना, जब एडमिशन होता है तब बातें कुछ और हैं, अगर स्कूल चेंज हो गया तो बातें कुछ और हैं। अब मेन बात क्या हुई है कि जैसे मेरी जो गुड़िया थी ना, उसके लिए बात ये हुई थी, इन्होंने 20 से 25 हज़ार रुपये छोड़ दिए थे कि हम इतने रुपये छोड़ देंगे, आप यहाँ पे एक साल पढ़ाओगे। तो हमने वो करा के छुटवा के डिस्काउंट करा के बच्चे की सारी फीस दे दी, जितनी इनसे बात हुई थी। अब जब स्कूल चेंज होने लगा तो ये हमें बोल रहे हैं कि जो डिस्काउंट किया था, जो कंसेशन हमने की थी, सारी तो वो लेंगे, हमने आपका बस का किराया छोड़ दिया था, अब वो भी लेंगे। क्यों लेंगे? उसका रीजन ये है कि आपने स्कूल चेंज क्यों कराया। अच्छा, अगर आप स्कूल चेंज नहीं कराते हो, यही करा दो। सरासर देखो, इतना पागलत बात बिल्कुल कह सका, हाँ, कोई डर नहीं किसी बात का, बिल्कुल कह सका सरासर। क्योंकि जिस टाइम पे एक स्कूल या कोई भी हम सामान लेने खातर जावे, खोल बांध हो ले, इतने रुपया का मैंने सामान ले लिया, और इतने रुपया तू बता कितने रुपये ले होगा, कम कर देगा दुकानदार। अगर वो रेगुलर हम उस दुकानदार से सामान नहीं ले, इसका मतलब यू थोड़ी ना एक साल के बाद हमारे पास उसके पीछे लेगा, हमने इतने रुपये छोड़ देते। कड़े न कड़े जो छूट करी जावे एडमिशन के लोग में कि भाई स्कूल एडमिशन कर लेगा, छूट कर दी, बच्चे माँ बाप जो एडमिशन करवा देगा, और उसके बाद जब वो SLC ले हुआ है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती, तो वो जो छूट करी गई थी उसकी वसूली की बात याद है करी जान लग रही है। सर्टिफिकेट देने तो बिल्कुल मना कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल मना कर दिया, और मना करने का भी इनका एक अलग तरीका है। स्टार्टिंग में इनसे जब बात हुई तो इन्होंने बोला कि भाई आप एक दिन में आ जाइयो, आप दो दिन बाद आ जाइयो। अच्छा। आपको एक हफ्ते बाद आना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं दादरी गई हुई हूँ, अभी मैं दिल्ली गई हुई हूँ, यानी कि आज ताप चढ़ रहा है, आज बुखार हो रहा है, आज पीलिया देखा ना, आज बात आ रहा है ना, सारी चीज यही है। और उसके बाद जब ये हो गया ना कि भाई मामला बिल्कुल खराब हो गया, ये तो दिल्ली आने लग गए यहाँ पे, उस टाइम एकदम से बोल दिया कि आपको ना 30,000 रुपए और जमा कराने पड़ेंगे तब मिलेंगे। तो भाई साहब देखो, एक प्रकार से मैं इसने कह सकूं कि एक प्रकार से ब्लैकमेल किया जाने लग रहा है, बिल्कुल दबाव बनाओ। फिर दूसरा आपने शिकायत करी है कि करिए जी, बीओ के भी पास गए, बीओ भी जाते एक बार तो बोली कि स्कूल की फीस भरो सारी जितनी कहते हैं, फिर नहीं दे तो मेरे को बोलना, फिर फीस भर दी, तो भर रखी है सर, पहले भी पहले भर रखी थी, जो बात हो रही भर रखी है सारी। SDM साहब के पास गए, रविंदर सिंह जी आपके साथ भी सेम ही है? हाँ सही है जी। कितने बच्चे हैं? एक लड़की है जी, तमन्ना। तमन्ना भाई साहब देखो, कि ऐसा ना हो कि कोई गेम स्कूल के साथ में खेला जान लग रहा हो, कि मैं सीधे कोई दुश्मनी रंजिश तो नहीं काटने लग रहे हो, कल ना तो वीडियो कटेगी ना वीडियो हटेगी, और कहते झूठे फंसोगे तो मुश्किल भी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, जो भी फीस हमने सारी जमा करवा रखी है, ये ब्लैकमेल करने लग रही है मैडम। ब्लैकमेल करने लग रही है? हाँ जी। कितने बच्चे बताए आपके? एक लड़की। एक लड़की? हाँ जी। क्या नाम है? रविंदर सिंह। कौन सी क्लास में? उस लड़की का नाम तमन्ना। नहीं, क्लास कौन सी है? पांचवी क्लास में थी। भाई साहब थोड़ी देर पहले मैंने बताओ थे कि मार्कशीट नहीं देने लग रही स्कूल ने, और वो कर दिया जी उनको, बच्चों को निकाल दिया जी। अब उन्होंने भी निकाल दिया? हाँ जी। उन्होंने क्यों निकाल दिया? वे ये बोले जी SLC लाओ और मतलब यहाँ पर एंट्री होगी नहीं तो SLC जब तक नहीं मिलेगी तो दूसरा स्कूल एक्सेप्ट नहीं करेगा बच्चे ने, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि ये बच्चे इस क्लास में पढ़िया कर दे या नहीं पढ़िया कर दे। आप कहाँ से हो जी? राम राम जी। राम राम जी। आप कौन सा काम था? आम किशनगढ़ था जी। कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे हैं जी। 4 बच्चे हैं? के नाम है? रितिका, यश, छवि और काफी जी। अच्छा। हाँ जी। क्लास कौन सी बताई इनकी? क्लास एक 4th में थी। अच्छा। एक 9th में थी, 10th में होगी। अच्छा। दो 11th में होगी। अच्छा। जी 10वीं में थी। ठीक है, 782 791। ये देखो भाई, ये जो फीस पेरेंट्स जो पे करया करते उनकी स्लिप है भाई। हाँ जी, और क्लियर कर दी थी। हाँ, जी, दूसरा भी नाम 25,000 की एक है, 10,000 की एक है, 10,000 की एक है, ले रखे हैं। अच्छा, गुंडागर्दी में? गुंडागर्दी ने रखे हैं। हाँ, ये 35,000 है। केकरा जी 10वीं क्लास में थी, अगर रो नंबर नहीं आओगा इस कारण मैंने दिए। बीओ का मैं गई, बीओ बोली मेरे तक ये पूछो का एडमिशन करा था, जब तक ये चक्कर काटे हैं अक मारा करा दो मारा करा दो, और 2 साल हो गए मैं न्यूकंदी ने, मैं काटूंगी, मेरे पर फीस नहीं पटती, मैं भी डोल उगाई कितना लिया कर फीस दूंगी। बोला ना जी, जितनी मुठ्ठी बीच कर दे कर जाओगे ना इतने दे जाइयो। जब भी 75 में मैंने क्लियर कर रखी है, फिर भी 35 और लिए हैं, और फिर भी 4 भी ने चक्कर कटा दिया। अरे भाई, एक छोरे की और रह रही है ना दिन दी।
शुरू में तो बस 900 चांगले वाले पकड़ लिया, फिर पूरा पोचा पकड़ लिया। पोचा पकड़ लिया, न्यू का है बेदवा की पल्सन भी लिया कया दे, मेरे बालका ने भूखे राखू है। ये बेरोजगार लुगाई कितना बड़ा मामला, बड़ा गंभीर है। आप लोगों ने भाई इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और आप लोग आप लोगों के बच्चे भी जो है भाई कितने प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लाग रहे होंगे, उस चीज की तरफ भी आपने ध्यान देना पड़ेगा, और साथ साथ में कमेंट भी आपने करना पड़ेगा कि यू जो सरस्वती स्कूल जो करने लग रहा है वो कितना सही है, और ये जो माँ बाप जो बताने लग रहे हैं इनके साथ में जो अत्याचार होने लग रहा है वो सही है फिर गलत है के लागा आपने। ये नहीं, ये तो आज बहुत कम है। अच्छा। बहुत और भी बहुत ज्यादा पेरेंट्स है जो कॉल कर रखे हैं, उन आवाज ही नहीं उठा पाते। ये तो मेरे पास कुछ सबूत है तब भी कार्रवाई नहीं हो रही, बिल्कुल सबूत है क्लियर। ये कह रही है भाई ऐसे ऐसे है, रुपया ही बोल यार, फिर मांग रही है सारे काम और फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ पे 10-12 बच्चे का मामला फिलहाल। हाँ यो तो हाँ इतना का है, बाकी और भी बच्चे बहुत हैं जिसके साथ कनेक्ट किया गया ना, तो बोला जी हमारा भी हो रहा है, जिन्हू चक्कर बचकर कटा रही है, कती अड रही है, कती देने पड़ेंगे, कितने हांड लो आखिर में मेरे दुराओगे, अरना तो फिर कुछ दबाओ करो कम है कुछ कह दे, झूठा केस में फंसाऊंगी अगर मेरे को जान से मारे धमकी दे। अच्छा। ऐसा ही मेरे साथ भी बोला जी, सभी लगभग ऐसा ही। क्या नाम बता था? रघुवीर, रघुवीर सिंह भाई साहब। मेरा नहीं क्यों आपकी बात देख थोड़ा सा कि मैं और ला गया मैंने जो कर आप कह रहे हो ना कि जान से मारने धमकी देगा फलाना दकड़ा, कुछ और तो बात नहीं है ना, बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई असली बात होने दबाने लगा। हम स्टाफ तो मिलेंगे और स्टाफ तो सारी बात पूछेंगे, बाद में फिर आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हमारे बच्चे, हमने कुछ नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई गुंडागर्दी, हमने हमारे बच्चे के एलसी चाहिए, हमारे पास दबाव डालो बच्चा ना डकराओ, हम बच्चा नहीं कराते, ना मैडम है ना पानी है, कुछ सुविधा नहीं, हमारे बच्चे जाकर घर पर रो है, गर्मी मर के नहीं, पानी कुछ भी नहीं है। हमने हमारे बच्चे आजाद 47 में आजादी जो है स्कूल के द्वारा छीनी जाने लग रही है, और फिलहाल यहाँ पे जो 12-13 जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब होने के कगार पे है, क्योंकि SLC नहीं मिलने लग रहा। SLC जब तक नहीं मिलेगा तो उनका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा तो बच्चे पढ़ नहीं पाओगे, और पढ़े नहीं गे तो भविष्य उनका सुधर नहीं पावा। क्या कहे हैं न्यू कहे जी, हम न्यू कहता ना सरकारी में पढ़ाएंगे, न्यू कहे सरकारी में तो है न दूसरी नीचे जाति के पढ़े है, ये बताओ जातिवाद भी फैला दिया इसने, तो ऊपर स्कूल में नीची जाति के बच्चे नीचे जाति के पढ़े हैं, ठीक है हमारे पास ऑडियो है या बात तो इस बात की ऑडियो है। हाँ ऑडियो है। अच्छा। किसी भी होगे ना तो मैं थारी SLC दूंगी नहीं, बिल्कुल धमकी दे है, फोन के ऊपर ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैम कह रही है हम नहीं पढ़ा सकते, बार पढ़ा सकते न के मान ले मैम, अगर किसी दूसरे प्राइवेट में पढ़ाओगे तो मैं SLC दूंगी नहीं। रोहतक देखो नून पढ़ा लिया वो तो देखो बड़ा चाला की बात है। देखो प्रशासन जो स्कूल स्टाफ जो है अगर ऐसी कोई बात करने लग रहा है तो आप लोगों ने बहुत गलत कराया है, क्योंकि आसी रोहतक भिवानी ये दूर ला गए हैं, नजदीक के जो स्कूल अडम है माड़ा था पढ़ाने देंदे, मुश्किल में फंस गए भैया माँ बाप और बालक भाई जाओ तो जामे कित। सरकारी में तो जटा के पढ़ नहीं सकते, जातिवाद फैलावे है, और मैं पढ़ा नहीं सकते, बार मारा जुगाड़ नहीं अनपढ़ रखा, जरूरी थोड़ी होवे कि आज मेरा जुगाड़ ठीक ठाक मैं अपने बालक का एडमिशन करवाने लग रहा हूँ, तो हो सके कि साल भर के बाद में कोई सी दिक्कत स्थिति आ जावे, अकबर कति सत्यानाश हो जाए, और उस टाइम जरूरी थोड़ी ना मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाऊंगा। भाई फिलहाल आप लोगों ने सोचना है इस बारे में, कमेंट करना और वीडियो को साथ साथ में शेयर करना भी, आपका भी कोई मामला था। मेरी लड़की की 10वीं की सनद रोक रखी 1.5 साल से। अच्छा 10वीं की सनद रोक रखी है, सनद रोक रखी है, मार्कशीट। हाँ जी। कद करी उसने 10वीं? उसने 23 के लाले फरवरी में जो रिजल्ट आया था मार्च में, 23 जो पीछे गया उसमें 1 साल तो ऊपर हो गया। इफ्तिक दिए नहीं है? दिए नहीं। FIR दर्ज करवा दो ना, फिर दिक्कत कटा रही है। FIR का मैंने इतना पेरा तो कोनी पेरा टाइप करवा देंगे। भाई मार्कशीट भी रोक ली, मार्कशीट फीस पैसे दे रखी थी, फीस क्लियर कर रखी थी मैंने, जो करी स्कूल में तो गुड़िया पढ़ने था ना अटकी, जो इसके अगला पार्टनरशिप में स्कूल था पहला प्रदीप भारद्वाज का, उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया ना, बोले दुश्मन का स्कूल में एडमिशन करा दिया, इसलिए मैं यहाँ दूँ को नहीं, दूंगी तो 50,000 रुपये लगेंगे, वो ले आओ और ले जाओ। इतने पैसे मार, मतलब सारी फीस आपने क्लियर करा की थी, उसके बाद भी मार्कशीट जो बच्चे का अधिकार है, यानी कि उसने अपने नंबर पे कमाए हैं, डिग्री ली है, स्कूल ले लिया, 3 साल उसके स्कूल यहीं पर पढ़े बच्चे, पहला तो सतीश रंगिया स्कूल था उसमें पढ़े शुरू से ले, फिर उसने ले लिया। तो फिलहाल करंट के ऊपर आ जाओ कि आपके 50,000 भी डिमांड करी जाने लगा, 50,000 जब जाके मार्कशीट देवांगे जब जाके। चलो भाई सारा की बात आपने सुन ली है, और पूरा का पूरा मामला आपने समझ भी लिया होगा। मैम जो सरस्वती स्कूल आप देखने लग रहे हो, विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैम जो आप देखने लग रहे हो, इस स्कूल का मामला है, 12-13 जो बालक है इनका भविष्य खराब होने का मामला है, सर्टिफिकेट नहीं दिया जाने लग रहा,
प्रशासन तो जो स्कूल का जो स्टाफ उसके पर जाकर मैं आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगा, पूछूंगा सच्ची बात संग झूठी है, क्यों उनको इनको इनका जो बेफजूले जो डिमांड करी जान लग रही है। दोस्तों फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दियो और अगली वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हम अपने पता लगा कि सच्चाई के है।